महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश। नए संसद भवन में पीएम मोदी ने रखे अपने विचार। नए संसद भवन में लोकसभा की कार्रवाई शुरू की गई है। नए संसद भवन में अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, चंद्रयान 3 की सफलता पर भारत को गर्व है। हम नए संकल्प से नए संसद भवन आए हैं। हमें कड़वाहट भुलाकर आगे बढ़ना है। ये भवन नया है, सब व्यवस्थाएं नई है, सब कुछ नया है, लेकिन कल और आज को जोड़ते हुए बहुत बड़ी विरासत है जो नई नहीं है, पुरानी है। नए संसद में पीएम मोदी ने अपने पहले भाषण में कहा, ये महिलाओं के लिए इतिहास बनाने का वक्त है। महिला आरक्षण पर काफी चर्चा हुई। महिला आरक्षण बिल की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। आज हमारी सरकार संविधान संशोधन बिल पेश करने जा रही है। लोकसभा और विधानसभा में महिला को आरक्षण मिलेगा। कई बार महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया, लेकिन ईश्वर ने कई पवित्र कामों के लिए मुझे चुना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन की भव्यता आधुनिक भारत के महिमा को भी मंडित करती है। हमारे श्रमिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारे कामगारों, उनका पसीना इसमें लगा है और कोरोना काल में भी उन्होंने जिस लगन से इस काम को किया है, क्योंकि मुझे कार्य जब चल रहा था तब उन श्रमिकों के बीच आने का बार बार मौका मिलता था और खास करके मैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनसे मिलने आता था, लेकिन ऐसे समय भी उन्होंने इस बहुत बड़े सपने को पूरा किया। आज मैं चाहूंगा कि हम सब, हमारे उन श्रमिकों का, हमारे उन कामगारों का, हमारे इंजीनियर्स का हृदय से धन्यवाद करें, हृदय से, क्योंकि उनके द्वारा निर्मित भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला है। और 30,000 से ज्यादा श्रमिक बंधुओं ने परिश्रम किया है, पसीना बहाया है इस भव्य व्यवस्था को खड़ी करने के लिए, और कई पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ा योगदान है। मैंने अध्यक्ष जी, मैं उन श्रमयोगियों का नमन तो करता ही, लेकिन एक नई परंपरा का प्रारंभ हो रहा है, इसका मुझे अत्यंत आनंद है। इस सदन में एक डिजिटल बुक रखी गई है, जिस डिजिटल बुक में उन सभी श्रमिकों के पूरा परिचय इसमें रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि हिंदुस्तान के किस कोने से कौन श्रमिक ने आकर के इस भव्य इमारत को, यानी उनके पसीने को भी अमरत्व देने का प्रयास इस सदन में हो रहा है। ये एक नई शुरुआत है, शुभ शुरुआत है, और हम सब के लिए गर्व की शुरुआत है। मैं इस अवसर पर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से, मैं इस अवसर पर लोकतंत्र की महान परंपरा की तरफ से हमारे इन श्रमिकों का अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां कहा जाता है, यद भावो तद भवति, और इसलिए हमारा भाव जैसा होता है वैसे ही कुछ घटित होता है। यद भावो तद भवति, और इसलिए हम जैसी भावना कर करते हैं और हम जैसी भावना करके प्रवेश किया है, मुझे विश्वास है भावना भीतर जो होगी, हम भी वैसे ही खुद भी बनते जाएंगे, और वो बहुत बड़ी स्वाभाविक है। भवन बदला है, मैं चाहूंगा भाव भी बदलना चाहिए, भावना भी बदलनी चाहिए। संसद राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च स्थान है। ये संसद दलहित के लिए नहीं है। हमारा संविधान निर्माताओं ने इतनी पवित्र संस्था का निर्माण दलहित के लिए नहीं,
सिर्फ और सिर्फ देश हित के लिए किया। नए भवन में हम सभी अपने वाणी से, विचार से, आचार से, संविधान के जो स्पिरिट है उन मानदंडों को लेकर के, नए संकल्पों के अनुसार नई भाव को लेकर के, नई भावना को लेकर के, मैं आशा करता हूं अध्यक्ष जी आप कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे थे, कभी स्पष्ट कह रहे थे, कभी थोड़ा लपेट कर भी कह रहे थे, हम सांसदों के व्यवहार के संबंध में मैं मेरी तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा और मैं चाहूंगा कि सदन के नेता के नाते हम सभी सांसद आपकी आशा अपेक्षा में खरे उतरें,